चलिए दोस्तों, तो देखते हैं 852 और 1491 का मौसम। और इससे पहले हम एक और मौसम देखे थे दोस्तों, एक दो वीडियो ही हम अभी डाल रहे हैं एग्जाम्पल का। लेकिन आप ये याद रखिए कि जब हमारा थ्योरी पेपर खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद हम सारे क्वेश्चंस को एक एक करके डील करेंगे और एक एक करके वीडियोज में डालेंगे। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप देखते रहें और इसका आनंद उठाते रहें। एक छोटा छोटा बिल्कुल हम करके डाल रहे हैं ताकि आपको कोई परेशानी महसूस ना हो। 852 का सबसे पहले हम गुणनखंड निकालते हैं, और गुणनखंड निकालना हम पहले इससे पहले के वीडियो में हम सीख चुके हैं। चलिए देखते हैं 852 का गुणनखंड। सबसे पहले हम 2 से चेक करते हैं, 2 से क्या आ जाएगा, 4 एंड 426। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 213। अब ये 2 से नहीं लगेगा दोस्तों, अब ये 3 से लगेगा और ये 71 बार में लगेगा। और 71 आप जानते हैं एक खुद अभाज्य संख्या है, इसीलिए 71 क्या है, खुद अभाज्य संख्या है, इसीलिए अब इसके आगे डिवाइड होगा नहीं। 71 से डिवाइड हो गया, हमारा शेष 1 आ गया। अब चलते हैं 1491 को हम लोग करते हैं। 1491 को जब करेंगे तो 2 से यहां नहीं लगेगा क्योंकि इसके यूनिट स्थान पे, इकाई स्थान पे 1 है। हम इसे 3 से कोशिश करते हैं लगाने का, और 3 से जब डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन क्या आ जाता है, 497। जब 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 497। और जब 497 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है, तो फिर आगे किस नंबर से हम डिवाइड करेंगे। अब इसको आगे जब हम डिवाइड करने जाएंगे तो 7 से देखिए डिवाइड होगा, ये 7 7 7 और 1। अब फिर 71 आ गया और 71 से ये 1 बार में लगेगा। कितना आसान था दोस्तों इसको एक्सप्रेस करना इसके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। 852 को हम किस तरह लिखते हैं, 852 को जो हम लिखते हैं दोस्तों, वो 2 × 2 × 3 × 71। और 1491 को जो हम लोग लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, 3 × 7 × 71। आप अब देखिए इस दोनों में एचसीएफ महत्तम समावर्तक में हम लोग जानते हैं कि जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन हो उसको हम लोग गुणा करके लिख देते हैं, वही हमारा एचसीएफ होता है। और इस दोनों में कॉमन 1 3 है और 1 71 है, और हमारा 900 852 और 1491 का क्या हो गया, 3 × 71, और ये क्या हो गया, 213। ये हमारा 900 हो गया अभाज्य गुणनखंड विधि से। इस तरह से जितना भी क्वेश्चन आए आप इसको इसी तरह से बनाइएगा दोस्तों, और उम्मीद है आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू।